जो आप लोग क्लासेस में पढ़ते हैं, जो आप लोग किताबों से पढ़ते हो, ये उसका प्रैक्टिकल है बेटा। क्या है? प्रैक्टिकल है बेटा। आप लोग जानते हैं कि एवरी डे ये सुनने को मिलता है, पोस्टर्स हर जगह पे लगे हुए होते हैं, जहाँ पे लिखा होता है दो चीजें, दो नारे आज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। वन इज सेव वाटर सेव लाइफ, दूसरा है सेव प्लांट सेव लाइफ। यूं तो हमारे जहन में ये बात डेफिनेटली आ जाएगी कि हमारे कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पानी रखा हुआ है, नियरली 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, है ना। इतने बड़े बड़े समंदर, इतनी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हमारे पास है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है? तो क्यों हर जगह पे हमें एक ही नारा सुनाया जाता है कि जब आप पानी को बचाओगे तो जिंदगी बच जाएगी? बेटा, ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नियामत है जिसको हम फिर से नहीं बना सकते हैं, ठीक है, थीके? जिसको हम, ये एग्जॉस्टेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज इट, इट इज एग्जॉस्टेबल। ये खत्म हो, इसकी क्वालिटी खत्म होती जा रही है। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं, जैसे कि फार्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान, अंटोनियो डिस्ट्रेच, इन्होंने प्रिडिक्ट करा है कि फ्यूचर में जो अब जंग होगी वो अब किसी जमीन के बलबूते नहीं होगी, किसी जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं होगी, किसी पैसे पे नहीं, बल्कि वाटर पे होगी। किस पे होगी? इसी तरह से आज जो आप लोग यहाँ पे ये डे मना रहे हो, ये अर्थ डे है। क्या है? प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने लैंड की रिसोर्सेज भी बहुत दी है ना, बात आ रही है समझ में? बहुत ज्यादा है। मगर, और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में कि सॉइल जो है ये रिन्यूएबल है। क्या है? ये खुद से बन जाती है, ये अगर इसको एग्जॉस्ट करेंगे भी ये खुद से बन जाएगी, यही सुनाना आप लोगों ने। मगर प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है आज इसको इस कैटेगरी में भी लाया जाता है कि इसको हम रिन्यूएबल नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस पे से हम इसको एग्जॉस्ट करते हैं, जिस पे से हम सॉइल को डिग्रेड करते हैं, उस पे से हम ये सॉइल फॉर्म नहीं होती है। एक सिंगल सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? एक सिंगल सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को फॉर्म होने में लाखों ईयर्स लग जाते हैं। और इसके बरकत अगर आप आज देखते हो, आज के डेट में देखते हो, पोल्यूशन कितनी होती है, सॉइल पोल्यूशन कितनी है, सोर्सेज देखो, आपके घर से ही स्टार्ट होता है। आप लोगों ने ये सबसे पहले खुद पे अप्लाई करना है, अपने घर से अप्लाई करना है। ये पोल्यूशन सबसे पहले आपके घर से ही स्टार्ट होती है। जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी का कातिल है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कौन सा है? पॉलीथीन है। आप सोचे कि घर में हर रोज हम कितने पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जिस तरह से जितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इतनी ही स्पीड से अगर हमने लैंड रिसोर्स सॉइल को एग्जॉस्ट करते गए, तो वो वक्त जल्दी आ जाएगा जब खाने के लिए कोई चीज नहीं होगी। बेटा, अगर खाने के लिए चीजें नहीं होगी तो हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो घर से ही स्टार्ट करेंगे पॉलीथीन का इस्तेमाल करना। करोगे इंशाल्लाह? सबसे पहली चीज पॉलीथीन का इस्तेमाल। वेरी गुड। क्या करेंगे?